नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा शर्मा। दोस्तों, जैसे कि हमारा ये शो पंडित जी कहीं वास्तु बेस्ड शो है, जिसमें हम वास्तु से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी बदलने में आपकी मदद ज़रूर करेगी। तो चलिए, मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारे वास्तु एक्सपर्ट कमल नंदलाल जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नेहा जी, दर्शकों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चाकू, यानी कि किचन में इस्तेमाल होने वाला चाकू। इसका और वास्तु का क्या नाता है आपस में, चलिए जानते हैं पंडित जी से। नेहा, बहुत गहरा नाता है वास्तु का और नाइफ का। जी देखिए, सबसे पहली बात, किचन की बहुत खास चीज है नाइफ। इसमें वास्तु दोष तब आते हैं जब चाकू रखने की आपकी जो डायरेक्शन हो। आपने देखा होगा आजकल तो बहुत सुंदर वाली स्थिति आ गई है कि जो किचन में रैक्स होते हैं वहां पर चाकू की पोजिशन भी डिफाइंड होती है कि चाकू यहीं रखना है, और ऐसे जो रैक्स होते हैं वो बहुत वास्तु कंपेलेंट होते हैं। वास्तु दोष कब आता है चाकू के साथ? जब चाकू किसी गलत जगह पे गलत स्थान पर पड़ा हो, नंबर एक। दूसरी बात, चाकू में धार खत्म हो गई हो, तब वास्तु दोष की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तीसरी बात, अगर चाकू टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो और वो काटने योग्य ना रह गया हो जी, तो वास्तु दोष की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ये तीन बेसिक वास्तु दोष किचन नाइफ एटलीस्ट देता है। जी, तो पंडित जी मैंने देखा है कि लोग चाकू को किचन के किसी भी डायरेक्शन में टांग देते हैं या लटका देते हैं, उसको हैंग कर देते हैं, तो क्या ये भी साइड इफेक्ट्स के कारण पड़ते हैं? मतलब इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल साइड इफेक्ट पड़ते हैं। देखिए, चाकू का काम क्या है? चाकू का काम है कि एक सही सीधी चीज को काट के अलग कर देना जी, और उसे इस्तेमाल योग्य भी बना देना। आपने देखा होगा आजकल जितने भी किचन नाइफ्स हैं वो धारीदार आते हैं अलग अलग जी, जिसके अंदर बहुत कम डिस्टेंस पे बहुत नुकीले ब्लेड्स होते हैं जी। पुराने जमाने में ऐसे चाकू नहीं आते थे। पुराने जमाने में चाकू आते थे जिनकी धार बहुत तेज होती थी, लेकिन वो एक ही सिमेट्री में होते थे जी। इसकी वजह से जब आपके एक योग है ज्योतिष में, जिसको हम कहते हैं कर्तरी, मतलब काटने वाला योग, वहां पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर चाकू रख दिया जाए, यानी कि राहु के डायरेक्शन में अगर आप मंगल को प्रेजेंट कर दें, तो अंगारक दोष का निर्माण हो जाता है। ऐसी जगहों पर अक्सर आग लगती है, शॉर्ट सर्किट से। यही चीज वेस्ट डायरेक्शन में रख दी जाए तो लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में, बाप बेटे के बीच में, माँ और पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो पंडित जी, अक्सर देखा जाता है कि आजकल मार्केट में जो चाकू हैं वो स्टील के भी अवेलेबल हैं और लोहे के भी अवेलेबल हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से कौन सा चाकू है जो किचन में यूज किया जाना चाहिए? देखिए, वास्तु के अनुसार, वास्तु कंबैलेंस के अनुसार लोहे के चाकू ज्यादा इस्तेमाल करना ठीक रहता है जी। उससे दो काम होते हैं, एक तो वास्तु कंबैलेंस के हिसाब से आपका कर्म क्षेत्र सुधर जाता है, आपका बिजनेस सुधर जाता है। दूसरी बात, लोहे के चाकू पे जब हम धार लगाते हैं घिस के, तो उसमें से राहु निकलता है, यानी कि जंग बाहर निकलती है और शार्पनेस ऊपर आती है, मंगल ऊपर आता है जी। तो व्यक्ति एनर्जेटिक रहता है। जिनके घर के भी चाकू धारदार नहीं है, आप समझ लीजिएगा वो लोग बहुत सुस्त होते हैं जी। वहां पर आपको बूढ़ी औरतें गठिया बाय के जोड़ों से जो रोग है उनसे पीड़ित नजर आएंगी जी, या उनके अंदर कहीं ना कहीं अग्नि की कमी होती है। ऐसे जो मेल्स होते हैं वो उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं जी, और उनमें बुढ़ापा बहुत जल्दी ज्यादा छलकता है। तो आपके लिए ज्यादा बेहतर यह है कि लोहे के चाकू जो है वो यूज करें, लेकिन नियमित रूप से उस पर धार वगैरह लगाते रहें, उस पर जंग न लग पाए। अगर आप इनके से नहीं कर सकते तो उसके अलावा फिर स्टील के चाकू हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ ब्लेड्स ज्यादा होते हैं, वो भी ठीक रहते हैं। पंडित जी, अक्सर छोटे बच्चे के गले में छोटा सा चाकू बंधा रहता है धागे के साथ जी, उसके क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, चाकू मैंने आपको बताया नेहा, और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, चाकू मंगल है और वो सुरक्षा है। मंगल का काम सिक्योरिटी गार्ड का है, मंगल का काम दक्षिण दिशा को कंट्रोल करने का है, मंगल का काम आपके जीवन के अंदर ऊर्जा का संचार करना है। आपके धमनियों में बहक रहा रक्त है, जो होते हैं नवजात शिशु हैं वो माँ बाप के साथ सोते हैं, और साउथ डायरेक्शन या साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ही अमूमन छोटे बच्चे सोते हैं। साउथ डायरेक्शन यम की दिशा भी कही गई है, यम का काट मंगल है, यम से रक्षा करने के लिए, बच्चों को डर ना लगे और बच्चों पर नजर ना लगे, इसलिए उनके गले के अंदर छोटा चाकू जरूर डाला जाता है जी।
चलिए बढ़ते हैं अपने स्पेशल सेगमेंट यानी कि वास्तु टिप की ओर। नेहा, आज का टिप बहुत अच्छा है जी, और टिप सुनकर भी आपको मजा आएगा। है बहुत पुराने जमाने का टिप, लेकिन ये बहुत कारगर टिप है जी। जिनके घर में भी स्टील के चाकू ना हो करके लोहे के चाकू होते हैं, उनके लिए बहुत शानदार टिप है। और वो ये है कि अपने घर के जो चाकू है लोहे का, उसको कोयले से घसे। कोयले से जब कोई चीज रगड़ी जाती है तो उसमें ज्यादा निखार आता है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हीरा जी, जो कोयले के साथ ही होता है। अगर कोयले से हम चाकू को रगड़ेंगे तो चाकू में ज्यादा निखार आएगा, उसकी धार बनी रहेगी, साथ ब साथ के अंदर आपके रिश्तों में कट नहीं आएगा जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे और पंडित जी से सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारा YouTube चैनल कुंडली टीवी शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।